है। हाँ, आशू से नजर आपकी नहीं हटेगी, मैंने आशू को छुपा दिया। शोल्डर बैग, गो फॉर दिस वन, इट्स सो नाइस। आशवी का हंसने की आवाज आ रही है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दोपहर हो गई और बज गए हैं चार, चार मतलब ऑलमोस्ट शाम ही हो चुकी है ना। मैं कितना लेट व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ आज, बट एनी विच वेज वेलकम टू द व्लॉग। आज जो है एक मेजर चेंज का दिन है, मतलब बड़ा सरदर्दी वाला काम करना है मुझे और पूजा को। हम मेरे स्टूडियो में, यू सी दिस इज माई स्टूडियो, यू गाइज नो, और मेरे स्टूडियो में राज का वार्डरोब है जिसमें सारे राज के कपड़े हैं। बट पूजा ने मेरे को सजेस्ट किया कि दीदी हर दिन शूट करती है, कपड़े निकाल निकाल के लाने पड़ते हैं, यहाँ पे सारा कचरा फैलता है और फिर एकदम रूम गंदा हो जाता है। उससे अच्छा है कि तू राज भैया के सारे कपड़े जो है अपनी अलमारी खाली करके उनको दे दे और अपने स्टूडियो में कपड़े ले आ जो तुझे पहन के शूट करने होते हैं, ताकि तेरी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए। तू कहाँ गई भाई, गई कहाँ? उफ यार, ये बैल्कनी या चूहे घुस जाते हैं। कहाँ गई भाई? तो पूजा ने मेरे को ये बड़ा 100 रुपए एकदम बढ़िया वाला सजेशन दिया है, तो अभी हम वही काम करने जा रहे हैं। बड़ा मुश्किल काम है, बिकॉज एक अलमारी को दूसरी जगह से शिफ्ट करके दूसरी जगह लेकर आना। यहाँ डेकोरेशन हो रखी थी बर्थडे की, आप लोगों ने देखा होगा व्लॉग में, नहीं देखा तो अभी जाके चेकआउट करो। ये दीवार खराब हो गई थी, यहाँ पे अगर आप क्लोजली देखो ना तो टेप का निशान पड़ गया था। इस पर अभी 3-4 कोट हमने पेंट मारा है तब जाके थोड़ा नॉर्मलाइज हुआ, अदरवाइज तो मेरे खून के आंसू बहने वाले थे, बिकॉज मैंने 5,000 रुपये खर्च करके इस रूम को पेंट करवाया था, तो पैसे वेस्ट हो जाते बिल्कुल। तो चलो भैया, मेहनत वाला काम शुरू करते हैं और आज जो है बढ़िया बड़ा वाला मूवमेंट करने के लिए हम तैयार है। अपन जो है पजामे पहनने के लिए जा रहे हैं छोटे वाले, क्योंकि इतने बड़े बड़े पजामे और इतने कपड़े पहन के तो अपन से काम होता नहीं है। अपन को हल्के और थोड़े कपड़े पहनने पसंद है घर में। तो चलो भैया शुरू करते हैं ज़्यादा बिना विलंब के, और चलिए इस व्लॉग को यहाँ से प्रारंभ करते हैं। Always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix our problems, how long should I be waiting? मैं आपको दिखाने वाली हूँ अपना फिल्मिंग रूटीन। सो मैं कैसे वीडियोस फिल्म करती हूँ, क्या करती हूँ, बिकॉज मैं डेली फिल्म तो नहीं करती, बट मैं आज एक नाइटवेयर हॉल फिल्म करने वाली हूँ जिसको मैं कल, आज पोस्ट भी करूँगी एंड कल आपको शायद ये ब्लॉग मिलेगा, सो यू विल नो व्हाट हसल वेंट बिहाइंड द होल थिंग। तो चलो हम साथ में आपको आज दिखाने वाले हैं कि हम कैसे वीडियोस फिल्म करते हैं, क्या क्या करते हैं, कैसे कंटेंट, यू नो, सब कुछ प्लान कैसे करना पड़ता है करने से पहले, एवरीथिंग दैट गोज बिहाइंड द होल यू नो फिल्मिंग जर्नी। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो, शुरू करते हैं यहाँ से। मैंने अपना स्टूडियो रूम, फिर भी आज मैंने अपनी अलमीरा मतलब राज के रूम से शिफ्ट कर लिया है, जैसे कि मैंने बताया था कल मैं शिफ्टिंग कर रही थी, एज यू गाइस सॉ इन द व्लॉग, सो इट्स द नेक्स्ट डे एंड मैंने सारी शिफ्टिंग कर ली है। उसके बाद अब हम व्लॉग को यहाँ से कंटिन्यू कर रहे हैं। तो मेरे ही स्टूडियो में मेरा अलमीरा आ चुका है, इसी में मेरे सारे वेस्टर्न वेयर क्लोथ्स हैं, सो अब कोई टेंशन नहीं है। बाकी इंडियन वेयर और जो भी घर में पहनने वाले कपड़े हैं वो तो उसी रूम में। एनी बचवे चलो, फालतू की बकवास नहीं करते, वो हम वीडियो को स्टार्ट करते हो। सो सबसे पहले अभी जैसे मैंने वीडियो स्टार्ट करना है तो मैं रेडी लास्ट में होंगी, बट सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरा जो सामान है जो मुझे वीडियो में दिखाना है वो सब कहाँ है, उनको सबको सॉर्टिंग करनी है। सो चलो सॉर्टिंग करते हैं सारी चीज़ों का। एक तो मैंने नाइट वेयर पहन ही रखा है, आप लोग बोलोगे बड़ा ढीला ढीला सा ले रखा है प्रियंका दी, बट मुझे ना ऐसे घर के कपड़े ढीले ही पहनना पसंद है। प्लस यू नो मैं इसको मैंने XL या XXL साइज में लिया, मेरे को वैसे L आ जाता बट बिकॉज मेरे नीचे का पोर्शन बहुत ब्रॉड है तो नीचे के पोर्शन मुझे XL या XXL चाहिए होगा, इसीलिए मुझे ऊपर का भी लाइक बहुत लूज लेना पड़ता है टू जस्ट बैलेंस इट आउट। सो इसीलिए नीचे वाला तो बिल्कुल पैंट जो है ठीक है, बट ऊपर लाइक पतले होने के बावजूद भी, मतलब नीचे के हिसाब से पतले होने के बावजूद भी ऊपर भी काफ़ी लूज लेना पड़ता है, बट इट्स ओके, इट्स कम्प्लीटली फाइन। यू नो घर में यू कैन वेयर वॉट एवर साइज क्लोथ्स यू वांट, यू कैन वेयर वॉट एवर साइज क्लोथ्स वेयर यू वांट, वेयर एवर यू वांट। तो चलो फटाफट शुरू करते हैं, मेरे गले में आज बहुत दर्द है, मुझे ठंड लग गई है। तो चलो सॉर्टिंग स्टार्ट करते हैं और आप लोग देखो कि फिल्मिंग से पहले हम कैसे क्या क्या करते हैं। लेट्स बिगिन विथ द हसल। Thank you.
always trying to see through your flaws, 'cause I know that you got so much more to give. You made a real mess, but I miss you though, 'cause I can go to sleep when I'm alone again. Say you wanna fix a problem. Shout out, Gugu! Mama go di aja! Mama go di aja! Aja? Aja mama go di aja? Aja mama go di? Aja bicha! Aja bicha! Mama go di aja? Aja? Nahi aayegi! Nani go di aayegi! तुम क्या क्या सीखोगी? डांस सीखोगी, गिटार सीखोगी, तुम्हारे बाल कितने सुंदर हो गए हैं। हाँ, मेरी बच्ची किसी की नज़र ना लगे, मेरी बच्ची को किसी की नज़र ना लगे, मेरी बच्ची को। पोपो करेगी, पोपो करेगी, पोपो पोपो करेगी, पोपो करती है, पोपो भैया पोपो करता है। थप्पड़ पड़ेगा, थप्पड़। कैमरा की बैटरी खत्म हो गई थी, वो चार्ज पे लगाई है और आप मैं भी फ़ोन से व्लॉग करी हूँ ऑब्वियसली, सबको क्वालिटी दिख रही है, थोड़ी सी डिग्रेड हो गई है। बट अभी हम लंच करने वाले हैं, ये छोले और टोफू की सब्ज़ी है विद रोटी, और रोटी आटे की नहीं है, ये अमरंथ फ्लार है। सो नाप नाप के बनाना पड़ता है, तो अभी हम वही खाने वाले हैं। इट हैज़ नो ऑयल, नथिंग, बट ये इतना यमी और इतना टेस्टी है, फिर भी आप विश्वास नहीं करोगे। सो इफ़ यू आर सीरियसली लुकिंग फॉर वेट लॉस ना, आप रति ब्यूटी ऐप को यू नो सब्सक्राइब कर सकते हो, एंड देन यू कैन रियली फाइंड सम गुड डेलिकेसीज ओवर देयर। सो लेट्स हैव लंच एंड आई विल सी यू गाइस इन सम टाइम। सो गाइज, जिसके लिए आज का व्लॉग है कि बेसिकली मैं आपको अपने इस व्लॉग में आज सारे अपने बर्थडे गिफ्ट्स दिखाने वाली हूँ कि मुझे क्या क्या मिला। सो लेट्स स्टार्ट, वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट गिफ्ट कि मुझे, और लास्ट में मैं बताऊंगी कि मुझे राज ने एग्जैक्टली क्या दिया। सो वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द फर्स्ट गिफ्ट विच इज दिस ब्यूटिफुल नेकलेस फ्रॉम जीवा। सो मेरी बहन पूजा ने मुझे ये दिया है, जीवा का नेकलेस। मुझे ये काफ़ी पसंद था, उसने अमेजोन से इसको सेलेक्ट किया। दिस इज स्टर्लिंग सिल्वर जिसमें गोल्ड की प्लेटिंग है। नाउ लेट मी शो यू द डिज़ाइन, दिख रहा है, खूब दिखे। इसमें स्टार स्टार सा बना हुआ है, इफ यू कैन सी, इसमें स्टार स्टार सा बना हुआ है और बहुत सारे बने हुए हैं। लाइक जब इसको मैं पहनूंगी तो ये कुछ इस तरह का लुक देगा, एंड इट्स वेरी वेरी प्रिटी। तो ये बेचारी ने अपनी सेविंग्स से, अपनी पॉकेट मनी से दिया है, एंड आई थिंक दिस इज द मोस्ट प्रेशियस गिफ्ट आई हैव गॉट ऑन दिस बर्थडे, कि मेरी छोटी बहन ने अपनी पॉकेट मनी सेव कर करके मुझे ये दिया है, ये वाला इतना प्यारा सा यू नो नेकलेस। सेकंड गिफ्ट की तरफ, मेरा सबसे स्पेशल गिफ्ट इस साल का यही है। सेकंड गिफ्ट, आगे बढ़ते हैं, मैं पहले ज्वेलरीज आपको दिखा रही हूँ। सेकंड गिफ्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं, तो मेरे फ्रेंड्स, आपको मैंने बताया था कि 3 days to go, 2 days to go, 1 days to go, ऐसे मुझे गिफ्ट्स आ रहे थे। तो ये गिफ्ट्स भेज रहे थे मेरे फ्रेंड्स आदित्य और भरत, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड्स हैं। लाइक मैं अपने बर्थडे से पहले, जो मैंने इंस्टाग्राम पे फॉलो करता, तो उन्होंने देखा भी होगा मैंने स्टेटस डाल रखा था उनके साथ। सो फर्स्टली जब 3 days to go था, सो उन्होंने ये मेरे को इयरिंग भेजी, इट्स अ स्टर्लिंग सिल्वर इयरिंग, एंड उस पर फिर कार्ड पर लिखा हुआ था कि जस्ट 3 days to go बेब, हैप्पी बर्थडे, वी आर वेरी हैप्पी। आओ आ जाओ गोदी, आ जाओ, आ गोदी आ जाओ। अरे अरे अरे, बहुत चालू हो गई है लड़की, बहुत चालू, बहुत तेज। अब ज़्यादा टाइम नहीं है, आपको ये कैमरा में बोलती हुई भी नजर आएगी, ठीक है। मम्मा के साथ गिफ्ट शो करें, सबसे अच्छा गिफ्ट तो आप हो मम्मा को इस साल, और आपने शॉप बहुत छुंदल वाला गिफ्ट भी दिया है मम्मा को, है ना। अभी दिखाएंगे ना मम्मा को आपने क्या गिफ्ट दिया, ठीक है। सो ये बहुत प्यारी सी इयरिंग है, इफ आई ट्राई एंड फाइंड अ लिंक फॉर दिस, अगर किसी को परचेज करनी हो तो मैं नीचे डाल दूंगी। अगेन इट्स 92.5% स्टर्लिंग सिल्वर, इसमें पर्ल भी है। सो बहुत प्यारा लगा मुझे। सेकंड दिन उन्होंने मुझे कुर्ती भेजी थी जिसका पिक्चर मैं यहाँ पर डाल रही हूँ, इट्स ए ग्रीन कलर कुर्ती सांगरिया का, और उसके लिए बहुत लोगों ने मुझे उसके लिंक मांगी, मैंने उसकी एक रील भी, एक शॉर्ट्स भी डाली थी, तो वो कुर्ती भेजी। और जो 1 day to go था, लाइक बर्थडे ईव से पहले, उन्होंने मेरे को ये इसी सेम ब्रांड का
आई थिंक ये प्योरा का है, ये सेम ब्रांड का, उन्होंने मुझे अमेजोन से, ये टैंगल अप हो गया है, ये देख सकते हो, ये पेंडेंट है। हाँ, आशु से नजर आपकी नहीं हटेगी, मैंने आशु को छुपा दिया। ये पेंडेंट सेट और इसका भी सिल्वर का चेन है, और ये उन्होंने मेरे को गिफ्ट किया जब वन डे टू गो था। सो ये मेरे फ्रेंड्स की तरफ से मेरा गिफ्ट था। चलो आपको मैं नेक्स्ट वाला गिफ्ट दिखाती हूँ। भाई आप बोलने नहीं दोगे तो कैसे होगा? वैसे भी मेरी बकवास कौन सुनना चाहता है, सब तो आपकी बात सुनना चाहते हैं, है ना चालू पांडे की मासी ने, सारी यूट्यूब की मासी ने जब शॉप एक महीने के थे तब से देखा हुआ है। मामा का तबीयत ठीक नहीं बेटा, आपको गाल पे किसी नहीं ले सकती मामा। आपका ड्रेस ऑर्डर करना है, बट मेरा मन है ना जाके देख के ढूंढ के लेने का। थर्ड ड्रेस जो मुझे गिफ्ट किया है, ये मैंने अपने बर्थडे पे पहना भी था। पीपल हु फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम वुड सी वुड नो कि ये मैंने पहन रखा था अपने बर्थडे के दिन, मैंने पोस्ट भी किया था पिक्चर वगैरह। ये मेरे को गिफ्ट किया है मेरी प्यारी निधि ने, निधि फ्रॉम द ट्रेंड डायरीज, निधि ओसवाल। वो और मैं ऑलमोस्ट 1.5 साल से बहुत अच्छे दोस्त, लाइक बहन है, बहन ही है वो मेरी फ्रेंड नहीं है। तो उसने मेरे को ये गिफ्ट दिया, हमारे एक है, हम हमेशा बर्थडेज में या स्पेशल डे में एक दूसरे को कुछ ना कुछ भेजते रहते हैं। तो बड़े प्यार से उसने ये ड्रेस मेरे को दिया, बहुत ही सुंदर। ये शॉर्ट ड्रेस है तो मेरे को काफी छोटी हो रही थी, बट बहुत ही क्लासी लग रही थी। आई एम नॉट, आई डोंट माइंड वेयरिंग शॉर्ट क्लोथ्स, तो मैंने बहुत अच्छे से पहना, बहुत इंजॉय किया, बहुत ही प्यारा ड्रेस है। थैंक यू निधि फॉर वॉचिंग दिस, आई जस्ट लव दिस ड्रेस, थैंक यू फॉर ऑलवेज थिंकिंग अबाउट मी। एंड अब तुम्हारा बर्थडे आ रहा है, सो आई नीड टू थिंक कि मैं तुम्हें इस बार क्या देने वाली हूँ। नेक्स्ट अप मैं दिखाने वाली हूँ जो मेरी प्यारी बेस्ट फ्रेंड महिमा ने मेरे लिए भेजा था। महिमा इफ यू वॉचिंग दिस, मेरे को चप्पल से मत मारना। ये है बहुत ही प्यारी कुर्ती है जो कि महिमा ने सेंड की थी मुझे, बहुत ही स्वीट कुर्ती है, बहुत प्यारी। ये कुर्ती जो है मुझे बहुत पसंद आई। आई एम रियली वेटिंग कि मैं इस वीकेंड इसको कहीं बाहर पहन के जाऊँ। मेरे को चिकनकारी कुर्तीज़ का इतना शौक है, वाइट और लेवेंडर ये सब कलर्स मेरे पास है, बट ये कैसा अनकॉमन कलर है कि मैं क्या बताऊँ। साइज़ वगैरह सब परफेक्ट है और डिज़ाइन इसका इतना सुंदर है। थैंक यू सो मच माही, इफ़ यू वॉचिंग दिस वीडियो, आई लव दिस कुर्ती एंड आई कैन नॉट वेट टू स्टाइल दिस। सो इस सैटरडे या संडे यू माइट सी सम रील्स ऑफ मी वेयरिंग दिस बिकॉज आई एम गोइंग टू वेयर दिस वो वाला। चलो गाइस, अब तक पूजा लेकर आई है, तब तक मैं आपको दिखाती हूँ। आपने सरप्राइज तो देखा होगा बर्थडे वाला, तो बहुत लोगों ने देख भी लिया होगा कि बेसिकली राज ने मुझे क्या दिया है। तो सबसे पहले राज ने सरप्राइज में मुझे जो गिफ्ट दिया, मैंने उसको बहुत मना किया था, इस बार कोई एक्सपेंसिव गिफ्ट मत देना, हर साल तुम बहुत पैसे खर्च देते हो, बट ही वॉज लाइक इस बार तो मेरी बच्ची दी है तुमने, मैं कुछ भी दे दूँ इस दुनिया में वो कमी होगा। तो उसने मेरे लिए, उसको पता है कि मेरे को ज्वेलरी का बहुत शौक है, तो ही वेंट एंड ही गॉट दिस वेरी ब्यूटिफुल चेन एंड दिस पेंडेंट, एंड दिस इज अ डायमंड पेंडेंट, और ये रोज गोल्ड है, लाइक गोल्ड है बट इस पर पॉलिश रोज गोल्ड की है। तो दिस इज अ पेंडेंट ही गिफ्टेड मी जो कि बहुत ज़्यादा सुंदर है। नेक्स्ट अप उसने, अपने अगर पूरा सरप्राइज व्लॉग नहीं देखा है तो यू शुड सी, वो ऐसे किसी ट्रेजर हंट की तरह ढूंढ ढूंढ के चिट्स एंड क्लूज से मैंने ढूंढा कि कहाँ पे क्या रखा है। सो छोटू पप की तरफ से इसी का जो पैर का इयररिंग है, ये पैर का जो इयररिंग है ये मेरे को राज ने गिफ्ट करा कि छोटू पप ने जो है मेरे को ये दिया हुआ है। एंड थर्डली ये वाला जो रिंग का सेट है, डुअल रिंग का सेट, ये बहुत बोर, आई कांट डिस्टर्ब। हाँ क्यों हंस रही है? और राज ने मेरे को ये बहुत ही प्रिटी जो रिंग का सेट है, ये रिंग का सेट राज ने मुझे दिया है। भाई फोकस कर ले, ये रिंग का सेट राज ने मुझे दिया है। सो ये तीन चीजें मुझे राज ने दी है छोटू पप और अश्वी की तरफ से, बहुत ही प्रिटी। राज ने मेरे को एक बर्थडे ड्रेस भी दिया है, मैं लेकर तो नहीं आई हूँ बट मैं यहाँ पे पिक्चर डालूंगी, व्हाइट कलर की जो मैंने अपने बर्थडे से पहले इवनिंग को पहनी थी। सो ये ड्रेस लव ब्रांड का है वेबसाइट से, तो वो भी दिया है। एंड अगर मैं कुछ और भूल रही हूँ तो आई डोंट नो, क्योंकि वो मेरे को बर्थडे पे बहुत पैम्पर करता है। अब इसको पकड़ो भाई, कुछ याद है वो बैग कहाँ है? ढूंढते हैं हम जाके, पकड़ो इसको।
नेक्स्ट अप मेरी मम्मी ने मेरे को क्या दिया, मेरी मम्मी ने मेरे को बोला था बेटा तुमको जो चाहिए ले लो, जो भी जरूरत है। तो मैंने बोला ठीक है, मैं वेबसाइट गई थी जिस दिन राज ने मुझे ड्रेस दिया, तो मुझे ये ड्रेस काफी पसंद आया था तो मैंने ये ड्रेस लिया। इफ यू वॉन्ट आई कैन मेक अ व्हाट आई गॉट वाला वीडियो, सो इसको पहन के मैं कोई रील या शॉर्ट्स बना दूंगी। बट ये बहुत सुंदर लॉन्ग ड्रेस है फ्रॉम द ब्रांड बॉम्बे पाइजली इट, और ये इसके पास वेस्ट के पास ये इसका एक बेल्ट भी है। सो अगेन दिस इज अ वेरी 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 ब्यूटिफुल ड्रेस। नेक्स्ट अप गाइज, पूजा बंद करो। हाँ, शिवानी ने मेरे को एक बहुत ब्यूटीफुल सा ये उसका प्लीटो फ्लीट ब्लैक कलेक्शन का बैग भेजा है। मेरे पास इसका ब्लैक कलर का है, यू माइट हैव सीन मी वेयरिंग इट इन सम ऑफ माय व्लॉग्स। मेरा बहुत फेवरेट बैग है। इफ यू वांट अ शोल्डर बैग गो फॉर दिस वन, इट्स सो नाइस। आशवी का हंसने की आवाज आ रही है, बहुत हंस रही है। बहुत अच्छा बैग है, थैंक यू सो मच शिवानी अगेन फॉर दिस। और निधि दी ने मेरे को, निधि कटियार ने मुझे केक भेजा था जो कि आपने देखा होगा, इट्स ऑल्सो वंडरफुल गिफ्ट। अब मेरी डियर फ्रेंड प्रियंका जो मेरी नेबर भी थी, अभी मेरी नेबर नहीं है बट मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, वो मेरे कॉलोनी में ही रह रही है बट थोड़े से दूर, शी गिफ्टेड मी दिस ब्यूटिफुल एवॉन का लक फॉर हर गिफ्ट सेट। इसमें जो है एवॉन के दो टॉप सेलिंग परफ्यूम और डियो का सेट है, द लिटिल ब्लैक ड्रेस का परफ्यूम एंड द लिटिल ब्लैक ड्रेस का डियो। सो आई एम सो एक्साइटेड टू यूज दिस वन एज वेल बिकॉज ये बहुत फेमस सेट है। आश्वी कितना हंस, ओह गॉड। सो उसने मेरे को ये दिया, देन मेरे देवर ने और मेरी सिस्टर इन लॉ ने, उन्होंने दोनों ने मेरे को जीपे किए हैं पैसे कि आप भाभी अपने हिसाब से गिफ्ट ले लेना। मेरी सासू माँ ने भी देवर से जीपे करवाया कि बेटा आप अपने हिसाब से गिफ्ट ले लेना, आपको जो भी चाहिए यू नो अच्छा, क्योंकि उनको लगा कि भाभी को जो पसंद आएगा वो ले लेंगी। सो थैंक यू सो मच कुमकुम, रोशन एंड मम्मी फॉर योर लव, योर ब्लेसिंग्स। सो दैट्स ऑल आई गॉट फॉर माय बर्थडे। अब मेरे को याद नहीं आ रहा है कि मैं और भी कुछ भूल गई हूँ, बट मेरा सबसे बड़ा गिफ्ट है आप सारे लोग जिन्होंने भर भर के मुझे मैसेज किए, मुझे विश किया हैप्पी बर्थडे। आई डोंट थिंक सो कि इससे प्रेशियस कुछ भी हो सकता है। सो दैट वॉज ऑल आई गॉट एंड आई एम सो ग्रेटफुल, सो हैप्पी कि इतने सारे लोग मुझे प्यार करते हैं लाइफ में, और इससे बड़ा कोई गिफ्ट हो ही नहीं सकता मेरे लिए। सो गाइज, मैंने खुद को क्या गिफ्ट दिया अगर मैं वो बताने लग गई तो ये व्लॉग हो जाएगा 580 मिनट का, तो मैं वो नहीं चाहती कि मैं व्लॉग एकदम 25-30 मिनट का बनाऊं और अब देखते देखते सो जाओ, कल तक सोते ही रह जाओ। सो मैंने क्या अपने लिए लिया है वो मैं कल के व्लॉग में बताऊंगी, बट वो भी बहुत स्पेशल चीज़ है। कुछ कुछ मैंने कपड़े वगैरह लिया मोस्टली। मैंने अपने लिए क्या लिया, मैंने अपने लिए बेटू लाई है। मेरा तो गिफ्ट हो गया ना इस साल का, बेटू हर साल का इनफैक्ट है ना, बेटू गुगु चालू पांडे क्या हुआ? अब आप चुप हो गए, आपको अपना उल्लू देखना है। उल्लू